विधानसभा उपचुनाव में पद्मा देवी सिंह की दावेदारी को लेकर विधानसभा क्षेत्र में सियासत की गर्मी काफी बढ़ चुकी है, जिसके बाद से विरोधियों का कई खेमा स्वतः तैयार हो गया है, जहां पर एक खेमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पद्मा सिंह के विरुद्ध अनर्गल बातें करके अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ था, तो वहीं दूसरा खेमा कुछ रोज पहले मंत्री जी के समक्ष निजी मामलों को लेकर सीधे शिकायत करने पहुंचा था, जहां पर पद्मा सिंह की बुराई करते हुए अपने आप को काफी काबिल जता रहे थे। खैर, इन खेमों के चाणक्यों को उनके ही अंदाज में जवाब है, जिससे ये खुद औंधे मुंह गिर पड़े हैं। तो वहीं जिलाध्यक्ष वेदराम साहू के संघ के 100 पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष के इस कृत्य को निजी स्वार्थ की राजनीति से प्रेरित बताते हुए उनके आरोपों को सिरे से खारिज ही कर दिया और कहा कि सरपंच स्वतंत्र है, संघ का गुलाम नहीं। साथ ही पद्मा देवी सिंह को समर्थन दिए जाने की बातों पर अपनी अब पक्की मोहर लगा दी। जी हां, तो चलिए अब बात करते हैं पद्मा देवी सिंह के समर्थन में उतरे 1000-2000 नहीं बल्कि पूरे 14,000 से भी अधिक कार्यकर्ताओं की, जो अब उनके सानिध्य में इस चुनावी मैदान में उनके पक्ष में उतरने वाले हैं। ये वही कार्यकर्ता हैं जो कि विधानसभा में दिवंगत राजा देवव्रत सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके पग पग में सदैव साथ देते आए हैं। उनको सिर्फ इंतजार है पद्मा देवी सिंह के उम्मीदवार बनने की। एक तरह से देखा जाए तो विधानसभा में अब लोकप्रिय और दमदार नेतृत्व करने के लिए इनके अलावा कोई दूसरा चेहरा नजर नहीं आ रहा है। खैरागढ़ विधानसभा की सरपंचों की बैठक बुलाई थी, उसमें 25 से 30 सरपंच अनुशंसा करके दिए थे। 25 से 30 एग्जैक्ट आंकड़ा तो आप लोगों ने तो बैठक की थी ना, अनुशंसा पत्र देने से पहले? नहीं नहीं, वो बैठक अनुशंसा पत्र वाली नहीं रही। हमारी जो बैठक जो थी खैरागढ़ मुख्यमंत्री महोदय की जो 5 करोड़ की घोषणा थी, वो सभी सरपंचों को बराबर राशि वितरण कराने के लिए एक बैठक अपन लोग बुलाए थे। इसमें जो स्वतंत्र सरपंचों की जो बात कर रहे हो 35 से 40, छुई गदान ब्लॉक के भी? नहीं नहीं, हमें छुई गदान वाले वो अलग है, खैरागढ़ मात्र खैरागढ़ विधानसभा के सरपंच है। छुई गदान ब्लॉक का कुछ पता है क्या? नहीं, मेरे को मालूम है छुई गदान ब्लॉक की। तो ये जो फिगर आप बता रहे हैं 35 से 40 सिर्फ खैरागढ़? खैरागढ़ के है, उस दिन बैठक में आए उन लोग, आए एक बार कला का सरपंच, और अभी विगत दिन वेदराम साहू जी जिलाध्यक्ष अनगरल रूप से बयान जो दिए हैं सरपंच संघ के द्वारा समर्थन नहीं किया गया, विरोध करेंगे करके। कुछ दिनों पहले सभी सरपंचों के द्वारा रानी पद्मावती सिंह को एक अनुशंसा पत्र अलग अलग सरपंच के द्वारा दिया गया था जनपद पंचायत खैरागढ़ में, और सरपंच स्वतंत्र है किसी भी प्रत्याशी मान लो चाहे किसी भी पार्टी को उनको लिख के देने के लिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी भी सरपंच स्वतंत्र है, संघ के दबाव में नहीं है, न संघ में किसी प्रकार की ऐसा बैठक हुआ है इनके विरोध करना है करके। और रही बात तलाक की मामला, जो बेदराम साहू जी हमारे तलाक वाले मामला जो राजा रानी के विरोध में जो बात कर रहे हैं ना, या बेदराम